मेरा नाम साधना है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा सपना। मेरे कविता के कवि का नाम है दीपक श्रीवास्तव। सपना था मेरा ऊंचाइयों को छूने का, एक ख्वाहिश थी उस ख्वाब को पूरा करने की। आंखों में बसाया दिल में उतारा, आंखों में बसाया दिल में उतारा, और बस ठान के बैठ गए कि एक दिन सारा जहां होगा हमारा, ये सबसे कह गए। अब ये खुदगर्जी थी या जिद ये तो मालूम नहीं, पर वो बादलों को छूने की ख्वाहिश भी यूं ही बेजार नहीं। मालूम है ये सपने भी उन बादलों की तरह पल भर में धुंधला हो जाना था। ये सपने भी उन बादलों की तरह पल भर में धुंधला हो जाना था, पर आज उस ऊंचाई पर पहुँच कर अपने सपनों को पूरा होता भी तो देखना था। पहुँच कर उस ऊंचाई पर लगा जैसे मंजिल छू ली, पहुँच कर उस ऊंचाई पर लगा जैसे मंजिल छू ली, हासिल कर लिया हो इस जहाँ की तमाम खुशियों को। उस दिए का क्या फायदा जो कभी जला ही नहीं, उस दिए का क्या फायदा जो कभी जला ही नहीं, उस कपड़े का क्या फायदा जो कभी पहना ही नहीं, उस कविता का क्या फायदा जो कभी सुना ही नहीं, उस जिंदगी का क्या फायदा जो खुलकर जिया ही नहीं। ये ख्वाहिशों का कारवा है जनाब, रुकता कहाँ है। मेरी ही तरह मेरे सपनों ने भी रुकना तो नहीं सीखा, मेरी ही तरह मेरे सपनों ने भी रुकना तो नहीं सीखा। इन बादलों के बीच ठान लिया कि ये ख्वाहिशें बादलों तक सीमित नहीं है, अभी तो और ऊंचा होना है, इन खाली पन्नों में कुछ और करना है। आधे से थे अब तक के सभी ख्वाब मेरे, आधे से थे अब तक के सभी ख्वाब मेरे, पर हौसला सा मिल गया हो एक ख्वाब पूरा हो। उस एक पल में लगा जैसे पूरी जिंदगी जी ली, उस एक पल में लगा जैसे पूरी जिंदगी जी ली, उस एक लम्हे में लगा जैसे पूरी जन्नत देख ली। सपने पूरे हो या ना हो, सपने पूरे हो या ना हो, आंखों में चमक होनी चाहिए, बाजुओं में दम होने से कुछ नहीं होता, इरादों में दमक होनी चाहिए।